एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप्स आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से अच्छी हूँ। तो पिछले कल वाला व्लॉग आपने देखा कि हम वापसी अपने घर पहुँच गए थे। पिछले कल ही हम भाभी के घर से घर आए, तो आज हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे आगे व्लॉग में पता लग जाएगा। व्लॉग को आप एंड तक देखिए। सुबह के बज चुके हैं, 10 बज गए हैं, 10 मतलब 10:15 होने वाले हैं। तो व्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रही हूँ और अभी हम तैयार व्यार होकर बैठे हैं यहाँ पे। आंचल परेगी और इधर देखो मम्मी भी यहाँ पे बैठे हैं। ये देखो मम्मी फोन छेड़ रहे हैं अभी। तो हम सीढ़ियों में बैठे थे घर की, तो बस हम निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके वो जानने के लिए आपको व्लॉग में एंड तक बने रहना पड़ेगा, ताकि आपको पता लगे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं। तो बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि हम घूमने जा रहे हैं और आपको भी बहुत अच्छी जगह दिखाएंगे। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और व्लॉग में एंड तक बने रहिए। तो अभी चलते हैं, अभी ना हम यहीं हैं बैठे हुए, तो थोड़ी देर में हम चलते हैं। तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। महेश्वर महेश्वर के दादू बन रहे हैं छोटे बच्चे। बस अब हम ये देखो पापा उतर गए हैं, पापा इसको खिला रहे हैं। अदरवाइज तो दोनों पोता और नहीं पोती और दादा खेल रहे थे यहाँ पे, देख रहे हो। स्टाइल मारे, स्टाइल दे बोले दादू पापा, ये देख रहे हो। सो गाइज फाइनली हम 10:51 हो गए हैं। अब हम निकलेंगे यहाँ से, अब हम जाएंगे ऊपर की ओर, सड़क की ओर। तो हम चल पड़े हैं। थोड़ी सी लेट हो गई थी ड्यू टू सम रीज़न, थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे, थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था, बट कोई बात नहीं, अभी वो इशू सॉल्व हो गया है। देर आए दुरुस्त आए, कुछ भी होता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम 9 बजे जाने वाले थे, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना चीज़ें जैसा आपने सोचा तो वैसा नहीं होता, तो थोड़े पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं और आप भी बने रहिए व्लॉग में तक। यहाँ बैठे हुए कोई, इधर बैठे हुए कोई, इधर बैठे हुए कोई, इधर बैठे हुए कोई, इधर बैठे हुए। देखो मैंने सबको दिखा लिया, तो अब चलते हैं ऊपर की ओर। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी चीजें हो जाती है जैसा आपने नहीं सोचा होगा, उसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ देखो गाइस चल पड़े हम, ये मम्मी भी चल पड़े आज। चलो 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 चल अंचल, ये देखो फाइनली हम 11 बजे चल रहे हैं यहाँ से, घर से 11 बज गए। हाँ तो गाइस फाइनली अब हम चल पड़े हैं, 11 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं। तू आगे तो, चल दादी माँ, दादी माँ देख, दादी माँ इसको देखो गाइस, बुई गोदी में चको बोला, ये ना इसको भाई गोदी में चलना है, गोदी में थोड़ा भी नहीं चलती खुद इतनी चला के। सो गाइस फाइनली हम चल पड़े हैं। अब पता है 11 बजे सुबह की, मतलब 9 बजे के तैयार हुए हैं। सो आप अब 9 बजे के तैयार हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं। चलो कभी कभी चीज़ें हो जाती है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। इसको देख रहे हो पीछे? हाँ जी देख रही है तुम्हें, ये देखो। तो अभी हम चल पड़े हैं और अब चलते हैं 11 बजे। वैसे भी पहुँच जाएंगे आराम से अपनी गाड़ी में, कोई इशू नहीं होता। अगर गाड़ी हो ना तो इशू नहीं होता, अगर ऐसा हो कि हाँ यार ऐसे जाना पड़ रहा है। तो मेरे को तो ना पसीने अभी से ही आ गए, नहाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि पहले बाल बांध लेती हूँ अपने इस करके। तो अभी हम चल पड़े हैं घूमने। सो गाइस यहाँ देखो कनन भी आ चुकी है। कनन हाई करो। हाय गाइस, तो ये कनन का चैनल है। तो अभी हम चल पड़े हैं और अभी हम मेंडली पहुँचे। तो मेंडली से जा रहे हैं हम आगे की ओर। हम कहाँ जा रहे हैं ये आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है गाइस, थोड़ी देर बाद हम आपको बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम चल पड़े एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से कनन ने भी आना था, कनन को उसके पापा ने ड्रॉप करा था यहाँ तक। तो अब चलते हैं हम। तो गाइस अभी ना यहाँ हम उतरे हुए, दुकान चला गया अभी आगे, क्योंकि यहाँ नहीं गए हुए उधर, उन्होंने तेल भरवाना था। अभी ये ना यार यहाँ ना ब्लूटूथ ही नहीं कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इस गाड़ी के पता नहीं क्या फंडे, ब्लूटूथ ही नहीं ऑन हो रहा है। पेट्रोल पंप के पास अभी हम रुके हैं क्योंकि हमने गाड़ी में तेल भरना था। तो अब ना क्योंकि ये सस्पेंस, एक सस्पेंस मैं आपका क्लियर कर लेती हूँ। किसके साथ जा रहे थे हम? जा रहे थे क्यों? हम हनी के साथ जा रहे हैं। चुप कर, और तो मैं हनी एंजल और कर्नन आंचल सारे हैं हम। तो अभी हम आज जा रहे हैं घूमने। घूमने कहाँ जा रहे हैं? किसी मंदिर हम घूमने जा रहे हैं, ये भी आपका सस्पेंस मैं क्लियर कर लेती हूँ। कौन सा मंदिर है वो भी आपको पता लग जाएगा बहुत जल्दी। देखो एंजल कितने टाइम बाद मेरे व्लॉग में आई है, तो आप मिस कर रहे थे गाइस, बड़ी हो गई। हाँ अगर आप एंजल को मिस कर रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
तो गाइस फाइनली हम हाटकोटी पहुंच गए हैं एंड सावड़ा गाइस हम सावड़ा गाइस तुम सावड़ा पहुंच गए हैं अभी कुछ खाने के लिए ले रहे हैं पहले तुम्हारे पास कुछ चीजें तो है वैसे कुरकुरा बाकी और कुछ ले रहे हैं खाने के लिए फिर देखते हैं क्या क्या चीजें हम करेंगे और हम ना किसी मंदिर जा रहे हैं और जो भी जो काफी फेमस मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है कौन सा मंदिर है उसके लिए सस्पेंस बनाए रखेंगे ताकि एंड तक आप व्लॉग को देखिए आपको मजा आने वाला है काफी हम मजा करने वाले हैं तो बने रहिए व्लॉग में सो गाइस फाइनली हम उत्तराखंड की जो बाउंड्री होती है उसमें हम एंटर हो चुके हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कौन से मंदिर जा रहे हैं तो फिलहाल अभी चलते हैं और अब बने रहिए ब्लॉक में तक आपको मजा आने वाला है अभी हम चले गए ये देखो इन दोनों को पता नहीं क्या कर रही है ये लिटरली पागल हो रही है दोनों की दोनों तो पुत्र का उत्तर बना गाइस ये देखो यहाँ पे कीवी का फार्म है यहाँ पे जो कि बहुत ही मस्त है मैंने तो खुद भी पहली बार देखी ओ वाओ यहाँ देखो नीचे गाइस ये फेड़ो जल्दी हो ना कीवी है ये कीवी चले हो गया हाँ बस चलते हैं कीवी की नर्सरी सो गाइस फाइनली हम त्यूनी पहुँच चुके हैं और अभी ना हम यहाँ लगा रहे थे गाड़ी और सोचे थे कि कुछ खा लेते हैं बट इतना ट्रैफिक जाम मैं दिखाती हूँ आपको अब तो खुल गया है बट जब तक मतलब ये ऐसा लगता है कि हरी से मिल के ऐसा लग रहा है कि करण को अब तो मेरे को भी जीजू चाहिए भाई तो अभी फिलहाल अब हम गाड़ी लगाते हैं कहीं नहीं बाजार में लगा हुआ है बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है पार्किंग बना तो अभी ना यहाँ पे यार जाम लगा हुआ है तो हम सोच रहे हैं कि अगर एक बार खुल जाता तो फिर गाड़ी को कहीं साइड में लगा के फिर हम लंच वगैरह करते सो गाइस हमने गाड़ी पार्क कर दी है और इसके बाद हम जा रहे हैं अभी परे को क्योंकि कुछ ना खा लेते हैं हमने कुछ भी खाया नहीं था और इसके बाद जाएंगे हम परे को फिर उसके बाद हम जहाँ जा रहे हैं वो आपको यहाँ आगे से हम आपको बताएंगे हमारी गाड़ी आप देख सकते हो और ये एंजल है क्या कर रही है और ये देखो गाइस ये है तौंस नदी जो आप यहाँ देख सकते हैं ये तौंस नदी है इतनी भयानक मुझे तो नदियों से बहुत ही डर लगता है वैसे भी यार उफ गाइस क्या ताबड़तोड़ गर्मी है यहाँ पे उफ पूछो मत ये देखो पीछे इन दोनों क्या लगता है गर्मी बहुत ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा पर चलो फिर भी अभी हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे तो यहाँ देखो आप यहाँ पे ना बाज़ार में इतना क्राउड है अभी बहुत ज़्यादा बहुत तो गाइस यहाँ देखो यहाँ पे ना भाई मेरे को चूड़ा डालना पड़ा इतनी ज़्यादा गर्मी है तो बस अब हम अभी ना हनी का वेट कर रहे हैं तो वो ATM तक गए थे और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं लंच वगैरह कर लेते हैं फिर बाकी चीज़ें करेंगे उसके बाद आगे की ये देख रहे हैं उन दोनों की हालत यहाँ पे लाल पीले हरे नीले बन गए गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई साहब यार यहाँ देखो यहाँ पे कितना क्राउड है पता है और अभी ना हम अब कुछ पैक करवाएंगे अब ऊपर ही खाएंगे कहीं रास्ते में यहाँ तो बहुत हालत ख़राब हो जाएंगे सो गाइस ये देखो हालत ऐसी हालत हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी ओ माय गॉड त्यूनी में लोग कैसे रहते हैं मुझे नहीं पता उफ इतनी ज़्यादा गर्मी है ना जिसका कोई हिसाब नहीं हम खाना खाने उतरे थे कि हमने सोचा था कि खाना खा लेते हैं यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा लेकिन हमारे को रेस्टोरेंट नहीं मिला और अब हम फिर वापसी आ गए फिर हमने हनी फिर पैक करके ला रहे हैं कुछ
हम ऊपर ही खा लेंगे कुछ। यहाँ देखो पीछे हमारी गाड़ी लगी है और कर्नन और आंचल गाड़ी में बैठे। मेरे तो ना हालत खराब हो गई थी गाइस, इतना अजीब सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। अब पहले आने देती हूँ साथ वालों को, फिर चलते हो। और यहाँ तो हालत खराब हो गई। ये हमारी तौंस नदी है, मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखो इतनी ज़्यादा, पर यहाँ आगे से जाएंगे हम। देखो इन दोनों को, ये भी ना गाड़ी से उतर गई है क्योंकि यार गाड़ी में इतनी गर्मी लग रही है ना, पूछो मत। ये देखो। तो गाइस फाइनली हम चल पड़े हैं दिवनी से। टाइम हो चुका है 2:34, अब हम चले दिवनी से। अभी चलते हैं कि यार हालत ख़राब हो गई थी पता है, लिटरली ऐसा हो गया था कि भाई यहाँ तो इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। यहाँ देखो गाइस हमारी मोमोज पार्टी हो रही, तो क्या हो गया, मोमोज पार्टी हो रही है हमारी। यहाँ देखो जूस बस बस बस। गाइस फाइनली आपको बोर्ड देख के पता लग ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमने एक सस्पेंस बना के रखा था आप लोगों के लिए कि अब कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि हम अनोल जा रहे हैं, अनोल मंदिर। जिन्होंने सुना होगा, जो तो रोडो के हैं लोग उनको पता होगा कि, जो लोकल है उनको पता होगा कि अनोल कहाँ है, उत्तराखंड साइड है। वैसे तो सभी को पता है लेकिन फिर भी, तो आज हम आपको वहाँ विजिट करके दिखाएंगे जो भी चीज़ें होगी, जितना भी हम आपको दिखा पाएंगे, जितनी सारी चीज़ें आपको दिखा पाएंगे। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए एंड मज़े लीजिए उत्तराखंड की वादियों का। ये काफ़ी खूबसूरत सी जगह है इधर, और बहुत ज़्यादा मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा अच्छे व्यू है। तो इसीलिए मैंने जो अच्छे अच्छे व्यूज़ है वो आपको व्यू है जो आपको दिखाए हैं। तो मिलते हैं आगे जब हम अनोल पहुँचेंगे। अभी हम 9 किलोमीटर है हमारे को अनोल जाने के लिए। तो ये देखो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अनोल। ये देखो हमने एंटर कर दिया है यहाँ पे। ये देखो नीचे आपको ये दिख रहा होगा अनोल मंदिर, अभी ना यहाँ से नहीं दिख रहा होगा। तो फाइनली हम अनोल पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। हमने एंटर कर दिया है अनोल मंदिर, मतलब अभी एंटर नहीं करा है, थोड़ा सा रह गया है। तो ये देखो गाइस फाइनली हम महासू देवता जी मंदिर, अनोल मंदिर हम पहुंच गए हैं। और ये देखो इस तरह से यहाँ से खूबसूरत दिख रहा है। ये देखो आप, यहाँ देखो पहुंच गए हम। खतरनाक गर्मी है भाई यहाँ पे तो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए मंदिर, और अब जाते हैं अंदर की और थोड़ा सा सामान वगैरह खरीद लेते हैं, प्रसाद वगैरह, फिर देखते हैं क्या चीज़ें रहती है। जो भी चीज़ें रही है आपको दिखाएंगे हम। जितना हम कई बार ऐसे होता है ना मंदिर में शूट भी नहीं कर सकते, जितना शूट कर सकते उतना करेंगे हम। तो ले चलते हैं मंदिर के लिए अंदर। तो गाइस ये है अनोल मंदिर जहाँ मैं, इधर
अनुला आप ही बोल देते तब। इतना ये देखो गाइस यहाँ पे ना कितना प्यारी है ये यार, ओ वाव कितनी प्यारी है ये ना। और इधर ये मंदिर है, मंदिर भी आना चाहिए, ये मंदिर है। सो गाइस फाइनली हमारे मतलब दर्शन वगैरह तो हो गए थे, अब जा रहे हैं हम बाहर की ओर, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे दर्शन हो गए थे, अब चलते हैं बाहर की ओर। अभी हनी अंदर दर्शन कर रहे हैं, वो अंदर बैठे हैं क्योंकि उनको वो भी डालना था, बेटे भी डालना था, हम डाल नहीं पाए ड्यू टू सम रीज़न, तो अब वो ही डाल रहे हैं। सो गाइस फाइनली हम निकल गए मंदिर से बाहर, और ये देखो ये ना यहाँ पे तिलक लगता है भोग के तौर पे, तो ये लगाना पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर में कुछ मतलब अभी पूजा करके ही लोग फ्री हुए हैं। तो ये देखो मंदिर का कुछ व्यू इस तरह से है अभी ना, देखो आप देख सकते हैं लोग पूजा करके निकल गए हैं बाहर, हम भी अंदर ही थे लेकिन हम थोड़ा बीच में ही आ गए बाहर। तो उधर हनी देखो परे। सो गाइस ये देखो पीछे हनी और हम, तो मैंने और हमें हनी ने आज मैचिंग मैचिंग पहना था। तो अभी ना हम अब चल पड़े हैं वापसी की ओर। बाहर से ये कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो इस तरह से कुछ बाहर से व्यू, यहाँ पार्किंग के लिए गाड़ियाँ लगी होती है। हाँ तो गाइज अब फाइनली हम चल पड़े हैं वापसी। वापसी में ना हमने एक मंदिर और जाना था बट लेकिन अब हम नहीं जा पाएंगे ड्यू टू सम रीज़न, तो अब नहीं हम जा पाएंगे क्योंकि घर से हमारे को कॉल आया था, तो किसी कारणवश जब उस मंदिर हम नहीं जा पाएंगे बट वापस जाएंगे हम, तो चलते हैं वापसी। यहाँ देखो गाइज ये ना कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आंचल वगैरह, इनको वॉशरूम भी जाना था तो ये यहाँ पे उतर गई। और ये देखो नदी आप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। तो गाइज ये है त्यूनी का बाजार, ये काफ़ी अच्छा है, और यहाँ के मोमोज ओ माय गॉड यम्मी, बहुत अच्छे थे। चलो गाइज हो गया। सो गाइज फाइनली हम त्यूनी बाजार पहुंच गए हैं वापसी, और हनी को ना कुछ सामान लेना था तो वो बाहर गए हैं। और इन दोनों को देखो, और इसने यहाँ देखो ये कॉपी कैट क्या करके आई है भाई, क्या वो कोई कॉपी नहीं कर रही है। चलो क्या बोल रहे थे आप, बोलो जरा, नारा लगा। कौन सा नारा? हमारे जीजू कैसे हो, हनी जीजू जैसे हो। देख रहे हो इनको यार, सबसे खतरनाक तो आलू भी ले लो, गोभी भी ले लो, हनी जीजू को गोदी में ले लो। यार इन्होंने ना लिटरली आपको बताया, हनी ना कभी हंसते नहीं है, वो बहुत, वो बहुत कम है, बहुत रेयर है कि हंसते हैं। यार आज इसने ना उनको इतना हंसा दिया, इतना हंसा दिया ना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब उनका पेट दर्द होने लग गया यार, मतलब पहली बार मैंने भी उनको, पहली बार जब से हम मतलब हम कांटेक्ट में है तो तब से मैंने पहली बार उनको ऐसे हंसते देखा भाई, क्योंकि वो इतना हंसते ही नहीं है, वो ज्यादा बोलते भी नहीं है, लेकिन कनन ने तो बस ऐसे नारे लगा लगा कि कैसा नारा था बोलो प्लीज। हमारे जीजू कैसे हो, हनी जीजू जैसे हो। आज तो आंचल भी कर रही है, कभी कभी तो इसको भी आ जाती है मस्ती करने की, मेरे साथ बन जाती है गाइस, क्योंकि इसको मैं सुधार देती हूँ थोड़ा, इसको मैं इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना देती हूँ अपनी थोड़ा। तो गाइस जो ये वाली जगह है ना, यहाँ पे ये जो ढाबा है ये त्यूनी में है, और इतने ज़बरदस्त, इतने अमेजिंग यहाँ पे मोमो बनते हैं ना यार, आप जब भी त्यूनी आओ तो यहाँ पे ज़रूर खाना। इस ढाबे का नाम तो मुझे पता नहीं है पर फिर भी। तो गाइस ये ना त्यूनी में यहाँ पे जगह है, और यहाँ पे ना गाइस ये भैया इतने अमेजिंग मोमोज बनाते हैं, तो भैया की शॉप में ज़रूर आए आप जब भी आएंगे, मतलब यहाँ ढाबे में, नाम है कुछ भैया सॉरी, यहाँ दीपक ढाबे में आप जरूर आए, इतने अमेजिंग मोमोज और इतने टेस्टी यार, मैंने कब मतलब मैंने ना लिटरली दूसरी बार मंगा दिए मोमोज, हम अभी घूमने गए थे तो दूसरी बार मोमोज मंगा दिए। तो भैया जब भी आए आप यहाँ पे जरूर विजिट करें। तो गाइस मैं ना उन भैया दीपक ढाबा है ये, और इतने टेस्टी मोमोज ना यार यहाँ के, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अभी पीछे लोग दिख रहे हैं, ये बाजार दिख रहा है, तो फिलहाल चलो चलते हैं अब यहाँ से भी, और हम थोड़ा सा सामान ले रहे हैं फिर आपसे। तो गाइज फाइनली हम अपने शहर रोडो में पहुँच चुके हैं, और अब जा रहे हैं कनन को छोड़ने, पहले कनन ने जाना है छोड़ने, तो कनन ने जाना है पहले, पहले कनन को हम संभाला छोड़ेंगे फिर उसके बाद जाएंगे घर।
सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए घर और 10:30 बजे पहुंचे हम घर, पता है रात को पापा देखो और गाइस आपको मैं ये देखो भाई गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम तो सुबह चले ना, ठीक है ठीक है, पापा फोन पानी बंद करने आए, सड़क पे मिल था, तुम्हारे को लेने नहीं आना था क्या, डर के मारे मर जा रहे थे। ये देखो मेरी प्यारी डॉल्स, ये ना मेरे को वैसी प्यारी है जैसी माइशा है, ये मेरी प्यारी डॉल। सो होप सो गाइस आपको आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और कल आपको ब्लॉग मिल जाएगा। बाय बाय।